जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आज बात करूंगा रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के साइलेंसर एग्जॉस्ट के बारे में। दोस्तों हम काफ़ी लोग, लगभग ज़्यादातर लोग जो हैं, 80% के करीब लोग जो हैं, क्या करते हैं, जो उनका साथ में जो साइलेंसर आता है, स्टॉक साइलेंसर जो है, जो स्टॉक एग्जॉस्ट है, उससे वो खुश नहीं होते। ठीक है, तो वो करते क्या है कि उसका जो साइलेंसर है वो चेंज कराना चाहते हैं। और ज़्यादातर हम लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि अगर हम साइलेंसर चेंज करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे इंजन पे फ़र्क पड़े या फिर हमारी जो एवरेज है, माइलेज जो है हमारा बाइक का, वो कम हो जाए। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? तो दोस्तों काफ़ी चीज़ों को चेक करने के बाद, काफ़ी एग्जॉस्ट को चेक करने के बाद, उनको चेक करने के बाद मैंने एक एग्जॉस्ट फाइनली एक ऐसा देखा है जिसको अगर आप लगाते हैं तो माइलेज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि माइलेज 1 या 2 किलोमीटर करीब और बढ़ गया। और साथ ही साथ साउंड के मामले में बहुत ही बढ़िया है एग्जॉस्ट ये। और तीसरी सबसे अच्छी बात है कि इंजन पे भी कोई इफ़ेक्ट इस साइलेंसर का, इस एग्जॉस्ट का नहीं पड़ा। तो ये चीज़ है, मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ है, जो हमारा एक रॉयल इनफील्ड का एक मित्र है, तो उससे अच्छे से समझ के कि ऐसा क्या है जो नया BS4 मॉडल में जो एग्जॉस्ट आ रहे हैं, और जब हम उसको मार्केट के किसी एग्जॉस्ट से चेंज करते हैं तो इंजन पे क्यों फ़र्क पड़ता है, और इस एग्जॉस्ट का क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। सब चीज़ों को समझने के बाद ही मैंने अपनी बाइक में भी इस एग्जॉस्ट को चेंज कराया है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये है ये एग्जॉस्ट, ये जो इस पर मोहर लगी हुई है फॉर रॉयल इनफील्ड, ये शायद आपको जब आप मंगाए तो शायद ना मिले, हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि मैंने ये 3 एग्जॉस्ट मंगाए थे, 2 अपने फ्रेंड के लिए और 1 अपने लिए, तो उसमें से सिर्फ 1 मेरे पर ही ये रॉयल इनफील्ड की मोहर लगी हुई है। ठीक है ना, ब्रांडेड एग्जॉस्ट है, लगभग 3500 रुपये करीब का है ये, हो सकता है रेट ऊपर नीचे हो गए हों। लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, कहाँ से आपको ये मंगा सकते हैं, आप ये चाहे तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो ये एग्जॉस्ट की सबसे अच्छी खूबी ये है कि पहली बात जो मैंने काफ़ी एग्जॉस्ट में नोटिस की है, एक तो इसकी जो आवाज़ है वो मतलब बहुत ही अच्छी आती है, जो ओरिजिनल आवाज़ है उसको ये बना के रखता है, जो पुरानी बुलेट की आवाज़ थी उसको ये बना के रखेगा। साथ ही साथ ये माइलेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता, आपने काफ़ी सारे एग्जॉस्ट देखे होंगे जो माइलेज पे इफ़ेक्ट डालते हैं, साथ ही साथ बहुत ही फटी सी आवाज़ होती है उनकी, बहुत गंदी लगती है, दूसरा आदमी को अच्छी नहीं लगती, तो वो आवाज़ भी इसकी नहीं है। बहुत ही स्वीट सी आवाज़ आती है, जो रियलिटी है, जो ओरिजिनलिटी है उसको बना के रखता है। साथ ही साथ जो है आपके माइलेज पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता, और साथ ही साथ आपका इंजन भी सेफ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी एग्जॉस्ट की आपको साउंड दिखा देता हूँ। ये इसकी ओरिजिनल साउंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी गंदी साउंड या फटी सी साउंड नहीं है। और ये दोस्तों ये थी इसकी साउंड, और जब आप इसको चलाएंगे तो आपको और भी बहुत ही स्वीट साउंड आएगी, जैसी पुरानी रॉयल इनफील्ड बाइक की आती थी वही साउंड इसकी आती है, बहुत ही खूबसूरत साउंड आती है। मैं उसकी भी वीडियो इसमें डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप इस एग्जॉस्ट को परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं रॉयल इनफील्ड की और बाकी सब चीज़ों की, बाइक्स की और चीज़ों की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अपने आसपास साफ़ सुथरा रखिए, अपने देश को साफ सुथरा रखिए, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर। और दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए किस तरीके से जब ये बाइक हाईवे पे चलती है तो किस तरह की साउंड इस एग्जॉस्ट की आती है, वो भी मैं आपके लिए वीडियो इसमें डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।